अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रद्धेय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आदरणीय प्रियंका जी, मंचा सिंह, सभी नेतागण आज भारत बचाओ रैली में देश के कोने कोने से आए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी का कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज इस महान विशाल रैली का आयोजन किया गया है। भारत बचाने का नारा रामलीला मैदान से निकलकर पूरे देश तक जाना चाहिए, ये जिम्मेदारी हमारी आप लोगों की है। आज देश के संविधान के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो आक्रमण ये केंद्र की सरकार कर रही है, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आप सबको मिलकर एकजुटता से आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे कांग्रेस के नेतृत्व का कि आज ठीक समय था। चुनाव होने के बाद आज जनता उम्मीद करती थी कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है जो लोग आज शासन में बैठे हैं उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग कर प्रहार किया है, चोट की है किसान के साथ, नौजवान के साथ, बेरोजगारों के साथ। बहुत उम्मीदों के साथ जनता वोट देकर सरकार बनाती है और जब सरकार देश में बन गई, आज एक ऐसी सरकार बनी है जो हर व्यक्ति को नजरअंदाज कर सिर्फ कुछ लोगों का स्वार्थ पूरा करने का काम कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लाखों लोगों का जो आज दिल्ली में एकत्रित हुए हैं, और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से बोलना चाहता हूं कि आज यहां से आह्वान करें कि दिल्ली के बाद पूरे हिंदुस्तान में जाकर कांग्रेस और आमजन को खड़ा करें, एकत्रित करें, ताकि नौजवान किसान की लड़ाई हम लोग लड़ सकें। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे खासकर राजस्थान से जो हजारों हजार लोग यहां पर आए हैं, आपने इस कामयाब रैली को अति कामयाब बनाया है। मैं पुनः आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करते हुए और भारत बचाओ रैली का आज जो एक कामयाब आयोजन हम लोगों ने किया है, ये आने वाले समय में बहुत ताकत हम लोगों को देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।